नमस्कार, मैं उषी घासरे और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जैसा आप देख सकते हैं हम ईडी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और अब जो अपडेट निकल के सामने आ रही है प्रेम प्रकाश के बारे में हम आपको बताते हैं। ऐसा लग रहा है चुनावी गठबंधन तो अलग ही चीज है कांग्रेस जेएमएमए का, ईडी ने भी अपना गठबंधन जोड़ लिया है। जी हाँ, और किसी के साथ नहीं तो प्रेम प्रकाश के साथ। प्रेम प्रकाश को पिछले 20 दिन से लगातार यहाँ पे उपस्थित होना पड़ रहा है बेचारे को और अपनी बयान दर्ज कराना पड़ रहा है। अब जो हमने आपको कल जो अपडेट दिखाई थी कि कैसे प्रेम प्रकाश ने बहुत महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं, आज अभी जीएन भारत के सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, प्रेम प्रकाश ने की तरफ से ये पता चला है कि उन्होंने $1.5 million जो है वो एक एजुकेशन स्टार्टअप ऐप में इन्वेस्ट किया था और इसका हेड ऑफिस जो है वो गुरुग्राम में है और वो इस कंपनी के डायरेक्टर भी है। ये जो एजुकेशन स्टार्टअप ऐप है इसमें NDA, UPSC, SSC इस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे बैंक क्लर्क, PO इस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां कराई जाती थी, इसमें ये डायरेक्टर पद पे थे और ईडी जो है इस गुरुग्राम तक पहुंच गई है और इनके जो कर्मचारी वहां काम करते थे उनसे ही पूछताछ और उनको समन भेजने की तैयारियाँ चल रही है। आपको बता दें कि जीएन भारत ने जब उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जो कभी बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े लोग जो कभी प्रेम प्रकाश के साथ चलते थे, जिनको हमेशा प्रेम प्रकाश के साथ देखा गया, जब जीएन भारत ने उनसे बात करने की कोशिश की वो तुरंत पलट गया। उन्होंने साफ कहा कि कौन प्रेम प्रकाश, हमसे यही कहा कि कौन प्रेम प्रकाश, मैं तो किसी प्रेम प्रकाश को जानता ही नहीं हूँ, कौन है प्रेम प्रकाश। इसके साथ ही ऐसा सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रहा है कि सचिवालय और बड़े बड़े अधिकारियों ने अपने फोन से नंबर प्रेम प्रकाश का नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, प्रेम प्रकाश का नंबर को हटा दिया, यानी वो इसका मतलब साफ है कि प्रेम प्रकाश से अब कोई संबंध नहीं रखना चाहता है। इसके साथ ही जो चैट्स और व्हाट्सएप चैट ग्रुप है वहाँ से कई सारे बड़े बड़े अधिकारियों के खुद के व्हाट्सएप चैट ग्रुप होते हैं वहाँ से भी प्रेम प्रकाश के नंबर को हटा दिया गया। जी हाँ, उनको हटा दिया, ग्रुप से ही हटा दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जब प्रेम प्रकाश सब एक समय था जब प्रेम प्रकाश, हमने आपको जीएन भारत में भी बताया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आती थी, बड़े बड़े आईएएस इनके घर आते थे, इनके पैर छूते थे, इसके साथ ही इनकी पूजा तक करते थे। एक तरह से देखा जाए तो पैर छूना मीन्स वही पूजा करते थे और ट्रांसफर पोस्टिंग हो भी जाता था। लेकिन अब वही अधिकारी जो उनके घर में घंटों बिताते थे आज नंबर डिलीट करने की बारी आ गई, नंबर डिलीट कर रहे, पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। लेकिन अब जो एजुकेशन और ये जो एजुकेशन स्टार्टअप की जो हम बात करें, 1.5 million जो खर्च किया गया, ये 1.5 million और किसी का नहीं बल्कि ईडी को जो जानकारी मिली है बड़े बड़े अधिकारियों का पैसा है, बड़े बड़े दिग्गज राजनेताओं का पैसा, अधिकारियों का पैसा है। क्योंकि हमने आपको कल भी बताया था कि जो अधिकारी राजनेता और जो के बीच का जो नेक्सस है, इन दोनों का जो नेक्सस उस बीच का जो लिंक है वो कड़ी है, वो प्रेम प्रकाश है, इसलिए प्रेम प्रकाश से लगातार पूछताछ हो रही है। तो अभी तो पता चला है कि एजुकेशन स्टार्टअप में एक ऐप में एजुकेशन ऐप में खर्च हुआ है पैसा। इसके अलावा अभी ईडी और जानने में जुट गई है और जो पैसा ये लेते थे और जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट होता था, कहाँ जाता था पैसा, शेल कंपनियों में तो जाता ही था, उसके थ्रू और कहाँ जाता था। धीरे धीरे परत दर परत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है और जीएन भारत हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते आ रहा है। देखते रहिए जीएन भारत तमाम अपडेट के लिए। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।